नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। क्लीन न्यूज संथाल प्रगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल प्रगना से। कश्मीरी मजदूरों का बैंक खाता ही खरीद लेते थे साइबर ठग। झारखंड में बड़े रैकेट का पर्दाफाश। झारखंड के दुमका जिले में नए साल में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दुमका समेत आसपास के जिले के कुख्यात 8 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को लगभग 1,47,000 रुपए नगद सहित काफी संख्या में एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक अंबर लक्का ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर को दुमका समेत आसपास के जिलों के कुछ साइबर अपराधियों ने लोगों से ठगी कर उनके खाते से रुपये की निकासी की गई थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले के कई स्थानों पर छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नए साल में SKMU में बढ़ेगी कई सुविधाएं। नए साल में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के विकास में कई नए आयाम जुड़ने की संभावना है। वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय, परीक्षा प्रशाल, कैंटीन, संथाल अकादमी, कुलपति आवास, पदाधिकारियों का क्वार्टर, बैंक, पोस्ट ऑफिस और छात्रों के लिए नियोजनालय की शुरुआत होने की संभावना है। बनकर तैयार है केंद्रीय पुस्तकालय का भवन। SKMU परिसर में निर्माणाधीन केंद्रीय पुस्तकालय का भवन बनकर लगभग तैयार हो चुका है। संभव है कि आने वाले कुछ एक माह में यहां केंद्रीय पुस्तकालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाईवे पर वाहनों से चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य धराए। हसडिया से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 133 और दुमका हसडिया स्टेट हाईवे में भारी मालवाहक वाहनों का लॉक तोड़कर डीजल सहित अन्य सामानों की चोरी करने वाले गैंग के 2 लोगों को हसडिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास एक 4 पहिया वाहन और अन्य उपकरण बरामद किया है। दोनों पश्चिम बंगाल के वर्धमान के रहने वाले हैं। मिलेगा रोजगार, दूर होगी गरीबी। खबर गोड्डा से है। नया साल गरीबी उन्मूलन की दिशा में मिल रहा पत्थर साबित होगा। इस वर्ष रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जाएगी। इसमें से कई योजनाओं के क्रियान्वयन से गरीबी उन्मूलन की दिशा में क्रांति आएगी। इस वर्ष हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मनरेगा और NRSM इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। जिले में इस बार 20 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। दुमका, जामताड़ा सहित गोड्डा से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 2 जनवरी झारखंड की दुमका पुलिस ने जामताड़ा सहित गोड्डा और दुमका से विशेष अभियान के दौरान 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच है। पुलिस ने इसके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए नकद, 29 ATM कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 34 फर्जी सिम कार्ड, 5 पासबुक बरामद किए हैं। निबंधित मजदूरों को मिली सरकारी योजनाओं का लाभ। सदर प्रखंड के रंगमटिया मेला मैदान में शनिवार को भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन की जिला इकाई की ओर से श्रमिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगठन के जिला मंत्री रामविलास महतो की अध्यक्षता में श्रमिक गोष्ठी हुई। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामानंद त्रिपाठी ने कहा कि निबंधित मजदूरों के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। खबर देवघर से है। देवघर में इस वर्ष तैयार होगा क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पढ़ाई अगले सत्र से। बाबा नगरी देवघर में पर्यटन विभाग की ओर से क्राफ्ट इंस्टीट्यूट तैयार किया जा रहा है। इसमें होटल प्रबंधन से संबंधित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे। विभाग इस वर्ष जून तक आधारभूत संरचना पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसमें सत्र की शुरुआत 2021-22 से होगी। जामताड़ा से देवघर शिफ्ट हुआ साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट। 2020 में सबसे ज्यादा केस गिरफ्तारियां। देश भर में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक तरफ जहां पुलिस साइबर क्राइम के जरिए प्रसिद्ध जिले जामताड़ा में आपराधिक गतिविधियां से निपटने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ अब देवघर साइबर क्राइम का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना से बदल जाएगी जिंदगी। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीबों के जीवन में बदलाव लाया है। आने वाले समय में हर फुटकर दुकानदारों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में यह मददगार होगा। कोरोना से बचाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा।
खासकर वैसे लोग जो दिन भर सड़क किनारे बहुत ही छोटी तौर पर व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण का इंतजार बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में हुआ कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। पाकुड़ समेत राज्य के 6 जिलों में शनिवार को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इसके लिए यहां 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। सदर अस्पताल व हिरणपुर के डांगापाड़ा व उप स्वास्थ्य केंद्र है। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शनिवार को सूचना भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उपायुक्त ने बताया कि दोनों केंद्र पर टीकाकरण का ड्राई रन कराया गया। इसमें 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर SP मनलाल मंडल व सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान कुमार गौतम मौजूद थे। प्री मैट्रिक के 1,00,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा छात्रवृत्ति। जिले के प्री मैट्रिक के 1,00,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 31 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि भुगतान पब्लिक प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी 10 जनवरी तक विद्यार्थियों का डाटा कार्यालय में उपलब्ध कराए। ये बातें जिला कल्याण पदाधिकारी विजन उराव ने शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कही। बैठक का आयोजन समेकित जनजातीय विकास अभिकरण कार्यालय में किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा, प्रमंडल कल्याण पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। SC ST एक्ट में व्यवसायिक संघ का अध्यक्ष गिरफ्तार। घर में घुसकर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने, गाली गलौज करने व मारपीट के मामले में महिला थाना की पुलिस ने खुदरा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष तरुण कुमार गुप्ता को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अनुसूचित जाति जनजाति थाना में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपित के खिलाफ न्यायालय से वारंट निर्गत किया गया था। इसी के आधार पर जामताड़ा थाने के पुलिस ने आरोपितों को उसके घर से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने जामताड़ा थाना क्षेत्र में सरखेल डी गांव निवासी सुबोध बावरी ने बीते 8 जुलाई को ही शिकायत दर्ज कराई थी। 12 वर्षों से अधूरे पड़े बरवेंदिया पुल के निर्माण की मांग, CM को लिखा पत्र। जामताड़ा और निरसा के बीच बराकर नदी पर पुल निर्माण को लेकर शनिवार को बरवेंदिया पुल संघर्ष निर्माण समिति जामताड़ा की ओर से उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया। पुल संघर्ष निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक महतो एवं सचिव कोरेश अंसारी ने विगत 12 वर्षों से लंबित एवं अधूरे पुल निर्माण की मांग किया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा और निरसा के बीच की दूरी नदी घाट को लेकर लगभग 25 किलोमीटर है, परंतु पुल न होने की वजह से जामताड़ा क्षेत्र के बीरग्राम, श्यामपुर, नितायडी, बेंजिया, लाधना, सहरजोरी, धोबना, दुलाडी, नावाडी, चेंगाईडी आदि ग्रामीणों को 60 किलोमीटर दूरी तय कर निरसा जाना पड़ता है। बुआरी जोर में ग्राम प्रधान की गला रेतकर हत्या। बुआरीदौर थाना क्षेत्र की मेघी पंचायत के मोहला गांव में महिला ग्राम प्रधान 56 वर्षीय चंपा चौड़े की शुक्रवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर निसंग हत्या कर दी। स्वजनों की सूचना पर शनिवार सुबह पुलिस निरीक्षक कमलेश प्रसाद व थाना प्रभारी नारायण तुभित दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश की। पुलिस को शव के सिरहाने से सरकारी टैप, गर्म पानी का जार और टॉर्च मिला है, जिसे पुलिस ने बतौर साक्ष्य जब्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सावित्री बाई फुले का जयंती है। इस पर SKMU के बीसी ने कहा, सावित्री बाई फुले रखी थी नारी शिक्षा की बुनियाद। SKMU की कुलपति प्रो डॉक्टर सोना झरिया मिज ने शुक्रवार को सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर उनके योगदानों को याद करते हुए कहा कि नारी के उत्थान में उनकी सबसे अहम भूमिका है। कुलपति ने कहा कि 3 जनवरी 1831 में जन्मी सावित्री बाई फुले की पहचान एक समाहरक, भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और एक सावित्री के रूप में स्थापित है। विषय ने कहा कि सावित्री बाई भारत की पहली महिला थी जो स्त्री के शिक्षा प्रचार प्रसार करने उसे सर्वमान्य और सर्वाधिकार के रूप में विकसित करने की दिशा में गंभीरता से पहल की थी। उनके चिंतन से नारी सम्मान के महत्व को बताया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।